नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ, खास तौर पर जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए। देखिए बच्चों, अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत मेहनत करके बच्चे जब नीच या आपका जेई को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में जब वो जाते हैं तो शुरुआती 2-3 महीने में उनको एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत आती है, खास तौर पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। क्योंकि देखिए, आज भी हमारे देश में लगभग लगभग सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। हालांकि कुछ कॉलेज जो है वो हिंदी के अंदर कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, पर आप मान के चलें कि इस लेवल पर उस पर बुक्स या नोट्स का मिलना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, लगभग इम्पॉसिबल मानिए। तो अल्टीमेटली बच्चे को इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ता है। तो यदि आपको MBBS करनी है या आपको BTech करनी है, तो निश्चित तौर पर आपको इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है, ये मान के चलें। कहीं ना कहीं नहीं तो परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी आपको महसूस होगी। प्रोफेसर्स जो भी पढ़ाते हैं वो सब 90% आपका इंग्लिश में रहेगा। बुक्स तो लगभग लगभग आप मान के चलें कि 100% ही जो है, यदि अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स देखते हैं तो सभी जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही दिखाई देती है। होने को हिंदी माध्यम में पढ़ाई का जरिया कुछ कॉलेजेस में है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो नोट्स वगैरह प्रिपरेशन और सब के लिए इंग्लिश का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, ये बात तय है कि हम यदि बिल्कुल किनारा करेंगे इंग्लिश से तो हमें वहाँ एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में बड़ी समस्या आएगी। धीरे धीरे तो हम एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन पहले साल में कुछ महीने में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एक तो थोड़ा कोर्स टफ रहता है, दूसरा फिर यदि मीडियम भी हमारे अनुकूल नहीं है पढ़ाने का, तो हमें परेशानी निश्चित तौर पर महसूस होती ही है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय आपको जो दिवाली का ऑफर हमने प्रोवाइड किया, उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ ऐड की है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पसंद आई, और वो ये है कि 90% डिस्काउंट के साथ में आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री मिल रहा है। और ये अभी 3 नवंबर तक था, पर इसे एक्सटेंड कर दिया गया 6 नवंबर तक। आप ये बोल सकते हैं कि सर, हम तो पहले ही इतना सारे सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं, हमारे पास समय कहाँ है कि हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स को देखें। तो देखो बच्चों, जब जब टाइम मिले तब देख सकते हैं, या फिर जब आपका एग्जाम हो जाता है और जब आप रिजल्ट का वेट करते हो। आपको मालूम है इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है। इस बार तो खैर कोर्ट केस के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 महीना तो आप मान के चलो। तो वो ड्यूरेशन में आप इस कोर्स से बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हो, क्योंकि वैलिडिटी कोर्स की काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको उस समय तक अवेलेबल रहेगा। तो ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सिर्फ ये डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बल्कि ये जो चीज़ है ना वो आपको निश्चित ही तौर पर काम आएगी, बहुत ज़रूरी है ये। अदरवाइज जैसे बच्चे एक बार एडमिशन लेने के बाद कॉल करते हैं, सर कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, वैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा एग्जाम और आपके एडमिशन के बीच का, उसमें आप इस कोर्स से अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस। देखो, वैसे कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो माहौल से आती है, नो डाउट, बट फिर भी कोशिश की जा सकती है सीखने की। देखो, कोशिश शुरू करेंगे ना तब ढलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई बैर नहीं रखना किसी भी लैंग्वेज से कि सर हम इंग्लिश क्यों सीखे। तो जो 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 चल रहा है उसके अनुसार हमको ढलना ही पड़ेगा, हम उससे कब तक लड़ सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर जरूरी है कि एक साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है उसको MBBS और BTech के अंदर बिल्कुल किनारा करके इंग्लिश से वो नहीं चल पाएगा, ये तो तय है, बल्कि वो हिंदी से किनारा कर ले तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को साउथ में भी जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है तो है। देखो, उसके सही और गलत पक्ष में मैं नहीं जा रहा, जो वास्तविक कंडीशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स का आपको निश्चित तौर पर लाभ उठाना चाहिए। अब ये सेल जो है वो 6 नवंबर तक बढ़ गई है, क्योंकि ये दोनों की उपयोगिता अपने आप में बहुत ज़्यादा है। खैर, ये तो आपको एडमिशन के लिए चाहिए चाहिए, लेकिन उसकी बाद की परिस्थितियों से लड़ने के लिए ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यही एक खास मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद है आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जा रही होगी। फिर से मेरी एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं।